Assalamu alaikum students, how are you? I welcome to all of you in another lecture of Gohar Science. So this is our Gohar Science Book 2, Unit 3, Animals Food ka lecture number 4. Hai. Students, aaj ke lecture mein hum baat karenge plants and flesh eating animals ke baare mein. Yani aise janwaron ke baare mein jo plants bhi khate hain aur gosht ko bhi khate hain. And we will start with reading. For reading, open page number 13. Hurry up. Okay, let's start reading. Plants and flesh eating animals. Some animals eat both meat and plants. Bears, monkeys, foxes, crows, and rats eat both meat and plants. Humans are also included in this group. तो फ्रेंड्स बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो गोश्त भी खाते हैं और पौधे भी खाते हैं, जिसमें रीछ है, बंदर हैं, लोमड़ी है, कब्बे और चूहे हैं, और इंसान भी फ्रेंड्स इसी ग्रुप के अंदर आते हैं. सम एनिमल्स ईट ग्रेन्स, वर्म्स एंड इंसेक्ट्स. तो फ्रेंड्स कुछ जानवर होते हैं जो बीज खाते हैं और कीड़े मकोड़ों को खाते हैं. सम यंग एनिमल्स फीड ऑन देयर मदर्स मिल्क. कुछ जानवर जो होते हैं वो अपने बच्चों को अपना दूध पिलाते हैं. और बर्ड्स फीड देयर बेबी बर्ड्स. और इसी तरह परिंदे जो होते हैं ये भी अपने बच्चों को खुद खाना खिलाते हैं. फॉर फर्दर अंडरस्टैंडिंग हियर वी हैव 4 असाइनमेंट्स जिनको आपको कंप्लीट करना है ताकि अंडरस्टैंडिंग को ज्यादा बेहतर किया जा सके. फर्स्ट असाइनमेंट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. स्टूडेंट्स ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आपने कॉपी पे लिखने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू इंसेक्ट्स ईट. जो कीड़े मकोड़े हैं वो क्या खाते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द फूड ऑफ बटरफ्लाइज एंड बीज. बटरफ्लाई और जो बीज हैं शहद की मक्खी है वो क्या खाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन नेम टू एनिमल्स फ्रॉम ईच ग्रुप गिवन इन द यूनिट. जितने भी एनिमल्स के ग्रुप्स बताए गए हैं हर एक ग्रुप से 2 जानवर का नाम लिखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नेम 3 एनिमल्स दैट फीड देयर बेबीज ऑन मिल्क. ऐसे 3 जानवरों के नाम बताने हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं. और आंसर्स भी दिए गए हैं, आप यहां से भी हेल्प ले सकते हैं. ओके नेक्स्ट असाइनमेंट नंबर 2 फिल इन द सर्कल ऑफ द करेक्ट ऑप्शन. कि जो सही ऑप्शन है उसके आपने जो सर्कल है उसको फिल करना है. तो इसके लिए आप बुक यूज कर सकते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज दीज एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड मीट. ऑप्शंस आर फर्स्ट ऑप्शन इज डियर खाओ, सेकंड ऑप्शन इज बेयर एंड क्रो, थर्ड ऑप्शन इज पिजन एंड ईगल. नेक्स्ट क्वेश्चन है द फूड ऑफ विच एनिमल इज इंसेक्ट्स एंड वर्म्स. किस जानवर का जो खाना है वो कीड़े मकोड़े और वर्म्स होते हैं. ऑप्शंस हैं लिजर्ड, डॉग एंड स्नेक. तो इसमें जो सही ऑप्शन है उसको आप सर्कल को आपने फिल करना है. तो सॉल्यूशन भी दिया गया है, आप यहां से भी हेल्प ले सकते हैं. नेक्स्ट असाइनमेंट नंबर 3 फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द फॉलोइंग साइंस वर्ड्स. वर्ड्स दिए गए हैं इनको यूज करते हुए आपने जो ब्लैंक्स हैं उनको फिल करना है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज सम एनिमल्स ईट ग्रेन्स एंड डैश. सेकेंड स्टेटमेंट इज बर्ड्स डैश द बेबी बर्ड्स. आंसर्स भी दिए गए हैं, आप यहां से हेल्प ले सकते हैं. असाइनमेंट नंबर 4 साइंस फन. कलर द प्लांट ईटिंग एनिमल्स ग्रीन and flesh eating animal red and plant and flesh eating animal blue. तो आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, जो जानवर पौधों को खाते हैं उनको ग्रीन कलर करना है
और जो जानवर गोश्त खाते हैं उनको आपने रेड कलर करना है उनमें, और जो जानवर दोनों को ही यानी गोश्त भी और पौधे दोनों ही खाते हैं उनको आपने ब्लू कलर करना है। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा इस यूनिट का लास्ट लेक्चर। होपफुली आपको अच्छे से समझ आई होगी और आपने क्या करना है, इन असाइनमेंट्स को भी अच्छे से कंप्लीट करना है। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।